अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विनय एंड मॉडल टू फ्रेंड्स स्कॉलर्स एन पॉल विनय एंड एन डर्बल इन दोनों ने कंपैरेटिव एनालिसिस किया था फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेज का और एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था उस मॉडल को कहा जाता है विनय एंड मॉडल इन दोनों ने स्टाइलिस्टिक एनालिसिस किया था इन दोनों लैंग्वेजेस का और फिर जो डिफरेंसेस थे उनको नोट no डाउन करते हुए आ, कुछ जो है वो अपने मॉडल में स्ट्रेटजीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी और प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे अब वन बाय वन हम ये देख लेते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है और प्रोसीजर क्या है स्ट्रेटजी बेसिकली कहते हैं ओवरऑल ओरिएंटेशन ऑफ द ट्रांसलेशन मींस के हम ट्रांसलेशन करते हुए किस स्ट्रेटजी या किस मेथड uh, को जो है वो फॉलो करेंगे यानी हमने लिटरल ट्रांसलेशन करनी है फ्री ट्रांसलेशन करनी है यानी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे या सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन करेंगे या फिर हम कह सकते हैं डोमेस्टिकेशन है या फॉरनाइजेशन है या फिर हम टी को जो है वो प्रायोरिटी में रखेंगे या फिर एस को जो है वो प्रायरटी में रखेंगे तो ये जो है वो कुछ स्ट्रेटीज़ होती हैं जबकि प्रोसीजर इससे थोड़ी सी डिफरेंट चीज है प्रोसीजर बेसिकली एक स्पेसिफ़िक टेक्निक है या मेथड है कि जो ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं एट अ स्पेसिफिक पॉइंट या किसी भी एक सर्टेन पॉइंट पे इसको यूज़ किया जाता है थ्रू आउट ट्रांसलेशन में इसको यूज़ नहीं किया जाता जहां कहीं पर uh, कोई वर्ड बोरो करना होता है कहीं पर uh, जिसे आप कहते हैं लॉन ट्रांसलेशन करनी होती है या फिर कोई वर्ड अगर uh, एक वर्ड है सोर्स uh, लैंग्वेज uh, में है जबकि टारगेट लैंग्वेज में नहीं है तो वहां पर हम कोई जो है वो प्रोसीजर uh, कोई भी यूज़ कर लेते हैं तो स्ट्रैटेजी और प्रोसीजर में ये डिफरेंस है कि स्ट्रेटजी हम थ्रू आउट जब ट्रांसलेशन करे होते हो, हम यूज़ करते हैं जबकि प्रोसीजर हम एनी स्पेसिफिक पॉइंट या एनी सर्टेन पॉइंट पे हम जो है वो यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू विनय एंडर्बलनेट्स मॉडल हमारे पास टू स्ट्रेटीज आ जाती हैं एंड सेवन प्रोसीजर्स आ जाते हैं टू स्ट्रेटजीज हमारे पास आती हैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन एंड ओब्लीक ट्रांसलेशन जबकि जो सेवन प्रोसीजर्स हैं वो इन्हीं में फॉल करते हैं यानी थ्री जो प्रोसीजर्स uh, हैं वो डायरेक्ट ट्रांसलेशन में आएंगे जबकि बाकी के फोर जो प्रोसीजर्स हैं वो हमारे पास ओब्लिक ट्रांसलेशन में आएंगे यानी डायरेक्ट ट्रांसलेशन के अंडर हमारे पास आ जाती है बोरोइंग कैल्क लिटरल ट्रांसलेशन जबकि ओब्लिक ट्रांसलेशन में हमारे पास फोर प्रोसीजर्स आ जाते हैं ट्रांसपोजिशन मॉड्यूलेशन इक्विवेलेंस अडोप्टेशन अब वन बाई वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बोरोइंग बोरोइंग क्या है कि जब हम कोई भी वर्ड सोर्स लैंग्वेज से डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफर लैंग्वेज में यानी एज एट इज़ उस वर्ड को हम ट्रांसलेट करते हैं टारगेट लैंग्वेज में जैसे वो सोर्स लैंग्वेज में वर्ड होगा वैसा ही वो टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा उसमें कोई भी रदोबदल नहीं किया जाएगा अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कंप्यूटर कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है इसको किसी भी ज़ुबान में अगर ट्रांसलेट किया जाएगा चाहे वो इटालियन हो उर्दू हो हिंदी हो फ्रेंच हो किसी भी लैंग्वेज में तो ये कंप्यूटर वर्ड ही रहेगा ये कंप्यूटर से कुछ चे, चेंज जो है वो नहीं होगा फिर इसके बाद सेकेंड जो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास वो है इंटरनेट इंटरनेट भी इंग्लिश लैंग्वेज uh, का वर्ड है जब हम इसको सपोज उर्दू में ट्रा, uh, ट्रांसलेट करेंगे इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो ये उर्दू में भी इंटरनेट ही कहलाएगा इसके लिए कोई दूसरा वर्ड नहीं होगा यानी ये वर्ड उर्दू ने बोरो किया इंग्लिश से इंग्लिश एस एल है जबकि उर्दू टी एल है यानी टारगेट लैंग्वेज है फिर इसी तरह से पिज्ज़ा अब पिज्ज़ा जो वर्ड है ये इटालियन वर्ड है इटालियन लैंग्वेज से लिया गया है और इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो ये पिज्ज़ा ही रहेगा अकॉर्डिंग टू बोरोइंग यानी हम इस वर्ड को बोरो करेंगे ट्रांसलेशन में हमारे पास इसके लिए कोई दूसरा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैल्क कैल्क क्या है ये भी ऑलमोस्ट जो है वो टाइप है बोरोइंग की के जिसमें हम जो वो एक स्ट्रक्चर को बोरो करते हैं यानी स्ट्रक्चर जो वो एज़ इट इज़ ट्रांसफ़र होगा एस एल से टी एल में सोर्स लैंग्वेज से हमारे पास स्ट्रक्चर जो वो ट्रांसफ़र होता है टारगेट लैंग्वेज में यानी जैसे यहाँ पे भी हमारे पास लिखा हुआ है कि देर इज़ डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ वर्ड इन टू द बॉरिंग एलिमेंट्स ऑफ द वर्ड मतलब वो जो स्ट्रक्चर होगा यानी लट सपोज अगर हमारे पास एक कंपाउंड वर्ड है उसमें दो वर्ड्स हमारे पास मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं या फ्रेज बना रहे हैं तो एज इट इज़ हमने टी uh, एल में भी उसके लिए दो वर्ड्स ही ढूंढने हैं हमने वही स्ट्रक्चर ट्रांसफर करना है टी एल में भी अब कैल्थ की हम यहाँ पे एग्जांपल्स ले लेते हैं जैसे एक वर्ड है इंग्लिश में स्काई स्क्रिप स्काई स्काईस्क्रेपर की जब हम जर्मन में ट्रांसलेशन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगी वॉल्कनक्रेट्सर यानी हमने क्या किया हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया वॉल्कन ख्रेटसर का मतलब है स्काई स्काईस्क्रेपर इसी तरह से एक वर्ड है इंग्लिश में बॉयफ्रेंड इसको जब चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया जाता है तो ये कुछ इस तरह से होता है नैन पेंगवो यानी इसका मतलब है मेल फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिटरल ट्रांसलेशन लिटरल ट्रांसलेशन हमारे पास वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन है लिटरलनेस तब ही सेक्रीफाइस होगी या हम जब वो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन से तब ही हट सकते हैं कि जब स्ट्रक्चर का इशू हो या फिर मेटा लिंग्विस्टिक रिक्वायरमेंट्स हो यानी कल्चर का स्ट्रक्चर uh, का या कल्चर का इशू हो लेकिन जब हम लिटरलनेस यानी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को सेक्रीफाइस भी करेंगे तब ही हमने इस बात का ख्याल रखना होता है अकॉर्डिंग टू लिटरल ट्रांसलेशन के मीनिंग सेक्रीफाइज ना हो कि मीनिंग जो है वो एज इट इज़ एस एल से टी एल में ट्रांसफ़र हो अब विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं दैट वॉट इज़ लिटरल ट्रांसलेशन यहाँ पे एस में यानी सोर्स लैंग्वेज में हमारे पास है जी इंग्लिश नाउ नाओडेज़ टेम्परेचर इज़ हाई इन पाकिस्तान अब हम इसकी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन उर्दू में ऐसे कर सकते हैं नाउ नाओडेज़ इन दिनों नो टेम्परेचर दर्जा हारत इज़ है हाई बहुत ज़्यादा इन मे पाकिस्तान पाकिस्तान तो जब हम इसको ज़रा सीक्वेंस में लिखते हैं यानी अब क्योंकि स्ट्रक्चर का मसला है ठीक है तो हम जो वो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को यहाँ पे सेक्रीफाइस करेंगे लेकिन मीनिंग को हम जो है वो चेंज नहीं कर सकते हाई की जगह लो नहीं कर सकते पाकिस्तान की जगह किसी और कंट्री का या रीजन का नाम नहीं ले सकते बल्कि हम इसको एज इट इज़ रखेंगे लेकिन क्योंकि उर्दू में स्ट्रक्चर को जो वो फॉलो नहीं कर सकते हम यहाँ पे स्ट्रक्चर उर्दू का फॉलो करेंगे सो so हम इसको कैसे जो है वो इस सेंटेंस को लिख सकते हैं आज पाकिस्तान में दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है नेक्स्ट है ट्रांसपोजिशन अब ट्रांसपोजिशन क्या है ट्रांसपोजिशन में जब हम ट्रांसलेशन कर होते हैं तो हम पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज करते हैं या किसी भी वर्ड या टर्म की कैटेगरी को चेंज करते हैं लेकिन इसमें भी मीनिंग या सेंस चेंज नहीं होगा अगर मीनिंग चेंज होगा तो डैट मीन्स कि आपकी ट्रांसलेशन गलत है आप ठीक ट्रांसलेशन नहीं कर रहे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है सेंटेंस शी लिव्स डेंजरसली अब डेंजरसली यहाँ पे एडवर्ब है अब इसी सेंटेंस को हम दोबारा इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करते हैं या चेंज करते हैं तो हमने डेंजरसली टर्म को चेंज कर देना है डेंजरस लाइफ में जबकि डेंजरसली हमारे पास है एडवर्ब डेंजरस लाइफ हमारे पास है एजेक्टिव तो हमने यहाँ पे क्या किया विदाउट चेंजिंग मीनिंग हमने यहाँ पे कैटेगरी को चेंज कर दिया पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर दिया शी लिव्स अ डेंजरस लाइफ यानी वो जो है वो एक ख़तरनाक ज़िंदगी गुजारती है मॉड्यूलेशन अब मॉड्यूलेशन क्या है मॉड्यूलेशन बेसिकली चेंज करता है सोर्स लैंग्वेज के सिमेंटिक्स को और पॉइंट ऑफ व्यू को अब देखिए मॉड्यूलेशन मींस कि हम जो है इसमें एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं यानी अगर कोई वर्ड नहीं एग्जिस्ट करता किसी लैंग्वेज में तो हम उसको किसी ना किसी तरह से कंपनसेट करेंगे किसी ना किसी तरह से मॉड्यूलेट करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है चेयर अब किसी लेट सपोज किसी लैंग्वेज में अगर उसका यानी एग्जिस्टेंस नहीं है चेयर की चेयर का वर्ड वहाँ पे नहीं पाया जाता तो हम उसको किसी ना किसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे यानी अ टूल टू सेट विथ फोर लेग्स वुडन और प्लास्टिक मटेरियल और इसी तरह से हम जो वो थोड़ा कोशिश करेंगे कि जो रीडर है या जो लिसनर है उसकी समझ में बात आ जाए यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे एक वर्ड है पिज्ज़ा इन इंग्लिश हम लेट सपोज उर्दू में जो है वो आ, इस इसको जो वो बोरो नहीं करते हम मॉड्यूलेशन के थ्रू चल रहे हैं इस स्ट्रेटजी के थ्रू चल रहे हैं हमने ट्रांसलेशन मॉड्यूलेशन के थ्रू करनी है तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में कि एक चटपटा इतालवी खाना जिसमें पनीर और टमाटर होते हैं या जिसमें पनीर और सब्जियाँ होती हैं तो समहा हमने इस वर्ड को एक्सप्रेस करना है टारगेट लैंग्वेज में एकवी इक्विवेलेंस क्या है कि जब दो लैंग्वेजेस सिमिलर सिचुएशन को या सेम सिचुएशन को डिस्क्राइब करती हैं बाय डिफरेंट स्टाइलिस्टिक और स्ट्रक्चरल मीन यानी डिफरेंट स्टाइल से डिफरेंट स्ट्रक्चर uh, से जो वो एक बात को एक्सप्रेस किया जाता है इन टू लैंग्वेजेस इक्विवेलेंस की स्ट्रेटजी पर्टिकुलरली यूज की जाती है एडियम्स के लिए और प्रोवर्ब्स के लिए अब जैसे हमारे पास ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज आ जाती है इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स अगर हम इसकी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू में तो ये इस तरह से होगी कि कुत्तों और बिल्लियों की बारिश हो रही है जबकि ऐसा नहीं है इसका क्या मतलब है इसको हम उर्दू के स्टाइलिस्टिक और स्ट्रक्चरल मीन से जो है वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे बहुत तेज़ या बहुत मौसलाधार बारिश हो रही है यानी हमने इक्वी बैलेंस को यूज़ करते हुए इट इज रनिंग कैट्स एंड डॉग्स को ट्रांसलेट किया इन उर्दू लास्ट स्ट्रैटी हमारे पास आ जाती है अडाप्टेशन अब अडाप्टेसन क्या है कि अडाप्टशन में हमारे पास कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं यानी कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसा टर्म या ऐसी ऐसा कोई वर्ड के जो सोर्स लैंग्वेज में पाया जाता हो लेकिन टारगेट लैंग्वेज में ना पाया जाता हो टारगेट लैंग्वेज में वो वर्ड या वो सिचुएशन एग्जिस्ट ना करती हो तो फिर हम जो वो अडाप्टशन की स्ट्रैटी को यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो काओ है वो मुस्लिम्स के लिए कुछ और मायने रखती है जबकि जो हिंदू हैं या जो इंडियंस हैं उनके लिए कुछ और मायने रखती है अगर किसी सोर्स लैंग्वेज में गाय का इस तरह से ज़िक्र आ जाता है कि गाय की पूजा की जाती है तो वहाँ पे जब ट्रांसलेशन उर्दू में की जाएगी तो उसको किसी और तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा लेकिन सेंस और मीनिंग सेम रखा जाएगा सेंस और मीनिंग को चेंज नहीं किया जाएगा क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं वो गाय को कुर्बान करते हैं गाय का गोश्त खाते हैं गाय का दूध पीते हैं जबकि जो नॉन मुस्लिम्स हैं यानी जो हिंदूज़ हैं वो ऐसा नहीं करते वो गाय की पूजा करते हैं सो दैट इज़ ऑल अबाउट विनय इंडलनेट्स मॉडल अगर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको नोट्स या असाइनमेंट्स में हेल्प चाहिए तो हम पेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उसके लिए आप मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस पर जरूर रब्ता कीजिएगा थैंक यू सो मच